हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू UPSC SS। टैली सीरीज का लेक्चर नंबर 19 है और आज हम इस वीडियो में सितंबर और अक्टूबर दोनों मंथ की जो एंट्री है उन्हें टैली में चढ़ाना देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पिछले वीडियोस में हम अगस्त तक कंप्लीट कर चुके हैं, जो अगस्त तक की एंट्री है वो हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर डिस्प्ले में और डे बुक में जा करके चेक कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पर अगस्त तक की जो एंट्री है वो हो चुकी है और अब हम सितंबर की एंट्री करेंगे। तो उसके लिए अकाउंटिंग वाउचर में जाना है और यहाँ से एंट्री स्टार्ट कर देनी है। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमें डेट चेंज करनी है। ध्यान रखना, डेट चेंज करनी है तो F2 बटन प्रेस करेंगे और यहाँ से डेट चेंज कर लेंगे 1/9। ठीक है, यानी कि सितंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऊपर ये डेट सेट हो चुकी है 1 सितंबर। और पहले एंट्री देखते हैं क्या है। मिस्टर वर्मा डिपॉजिट कैश 50,000 इंटू बैंक, मतलब यहाँ पर मिस्टर वर्मा ने क्या किया है, 50,000 रुपये बैंक में जमा किया है। सिंपल सी एंट्री है, 50,000 रुपये बैंक में जमा हुआ है। तो इसकी एंट्री हम फटाफट कर देंगे। तो यहाँ पर वाउचर हो जाएगा कंट्रा, क्योंकि बैंक से ट्रांजेक्शन हो रहा है। क्रेडिट में हो जाएगा कैश, क्योंकि पैसा जा रहा है कितना, 50,000 रुपये। और डेबिट में आपकी बैंक हो जाएगी और ये एंट्री हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एंटरटेन मीडिया हाउस सेटल द अमाउंट फॉर फाइनल अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने क्या किया, सेटल किया है और फाइनल अमाउंट सेटल किया कितना, 73,000 रुपये, जिसमें से 33,000 रुपये कैश और 40,000 रुपये का चेक दिया है। ठीक है, मतलब मिला है, समझ गए ना। तो इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं, एंटरटेन मीडिया हाउस है कौन। तो अगर हम पिछले यानी अगस्त में एंट्री एक देखे जाके, तो अगस्त में एक एंट्री आई थी जिसमें एंटरटेन मीडिया को 75,000 रुपये की सर्विस दी गई थी, जो कि क्या थे, सेंट्री डेबिटर थे, यानी कि हमने उधार उनको दिया था, समझ गए ना। तो अब यहाँ पर क्वेश्चन में क्या हुआ है, एंटरटेन मीडिया हाउस ने फाइनल अमाउंट सेटल कर दिया। सेटल कर दिया मीन्स दे दिया है। तो यहाँ पर 33,000 रुपये नकद दिए हैं और 40,000 रुपये का चेक दिया है। तो पहले 33,000 नकद और 40,000 के चेक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपका डेबिट हो जाएगा कैश, क्योंकि यहाँ पर कैश क्या है, मिल रहा है, ध्यान रखना, कैश यहाँ पर आ रहा है। तो डेबिट कैश हो जाएगा, कितना कैश आ रहा है, देखिए कितना कैश आ रहा है, 33,000 रुपये आ रहा है। ठीक है, और दूसरी बार डेबिट हो जाएगा आपका बैंक, क्योंकि यहाँ पर चेक मिल रहा है। तो दूसरी बार आपका डेबिट हो जाएगा SBI बैंक हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 40,000 रुपये, समझ गए। तो ये दो चीज़ें तो हो गई। अब क्रेडिट कौन होगा, तो देने वाले कौन है, आपको पता है देने वाले कौन है, एंटरटेन मीडिया हाउस है। ठीक है, एंटरटेन मीडिया हाउस, ठीक है, क्लियर। तो ये क्रेडिट हो गए। अब ये क्रेडिट कितने से होंगे, तो ये पैसा मतलब कितना दे रहे हैं, 73,000 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, तो 73,000 रुपये दे रहे हैं, लेकिन इनको देना कितना चाहिए, 75,000, क्योंकि पिछले महीने अगर आप देखेंगे जाके, तो इनकी एक एंट्री आई थी एंटरटेन मीडिया हाउस की, जहाँ पर 75,000 रुपये इनको हमने सर्विस दिया था, मतलब उधार था, समझ गए ना। लेकिन दिया इन्होंने 73,000, और साथ में ये भी बोल रहे हैं कि हमने फाइनल अमाउंट दे दिया। ठीक है, इन्होंने क्या बोला है साथ में, कि फाइनल अमाउंट दे दिया। फाइनल अमाउंट का मतलब ये होता है कि जितना था उतना दे दिया, तो 75 था 75 दिया, लेकिन 73,000 दिया है। तो 2,000 रुपये कहाँ गया, तो 2,000 रुपये वो डिस्काउंट हो गया। ठीक है, अब इसमें लिखा नहीं है डिस्काउंट क्वेश्चन में, लेकिन हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। अगर यहाँ पर मेंशन है क्वेश्चन में कि फाइनल अमाउंट पे कर दिया गया, फाइनल अमाउंट सेटल कर दिया गया, फिर भी अमाउंट अगर पूरा नहीं है, फाइनल अमाउंट तो 75,000 होना चाहिए, लेकिन दे 73,000 रहे हैं, तो इसलिए 2,000 रुपये डिस्काउंट हो गया, समझ गए। कोई कन्फ्यूजन नहीं। तो एक बार डेबिट और होगा, एक बार डेबिट और कौन होगा, डिस्काउंट एक्सपेंसेज होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारा खर्चा ही तो होगा, मिलना 75 चाहिए था, मिल 73,000 रहा, तो 2,000 क्या हो गया, खर्चा हो गया, डिस्काउंट हमने दे दिया, तो डिस्काउंट एक्सपेंसेज ये हो गया खर्चा, कितना, 2,000 रुपये, समझ गए। तो यहाँ पर ये 2,000 हो गया। और एंटरटेन मीडिया जो क्रेडिट है इनका, टोटल अमाउंट कितना होगा, 73 होगा या फिर 75,000 होगा, तो ये 75,000 होगा। ठीक है, क्योंकि 33,000 नकद दे रहे हैं, 40,000 रुपये चेक द्वारा दे रहे हैं, 2,000 रुपये का डिस्काउंट हो गया। तो एंटरटेन मीडिया 75,000 से क्रेडिट हो गए, पहले एंटरटेन मीडिया 75,000 रुपये से डेबिट आए थे और अब की बार क्रेडिट हो गए, तो दोनों का अमाउंट जीरो हो गया, समझ गए ना। तो इस तरह से ये एंट्री होगी, आई थिंक समझ गए होंगे, सिंपल सी एंट्री थी। आप इसको एक बार रिपीट करके देख ले, अगर समझ नहीं आई है तो ठीक है, आ जाएगी समझ में, कोई दिक्कत नहीं। चलिए इस एंट्री को कंप्यूटर में फटाफट करते हैं, पहले तो इसमें लेज़र अंडर देख लेते हैं। तो डिस्काउंट का लेज़र बनेगा, अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि ये खर्चा है, और इसमें यही लेज़र केवल बनेगा, बाकी सब लेज़र पहले से बने हैं। तो वाउचर आपका क्या, कौन सा हो जाएगा, रिसिप्ट हो जाएगा, प्राप्त हो रहा है, क्लियर। चलिए एंट्री करते हैं फटाफट, यहाँ पर वाउचर रिसिप्ट हो गया। क्रेडिट में आपका एंटरटेन मीडिया है, तो क्रेडिट में एंटरटेन मीडिया कितना, 75,000 रुपये से हो गए। और डेबिट यहाँ पर आपका क्या होगा, तो डेबिट यहाँ पर पहले तो आपका डिस्काउंट हो जाएगा, तो लेज़र बनाते हैं अल्ट सी, और यहाँ पर डिस्काउंट का लेज़र बना दिया। ठीक है, तो डिस्काउंट एक्सपेंसेस का लेज़र बन गया। अंडर जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, तो यहाँ पर अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये, और बाकी एंट्री एक्सेप्ट कर लेंगे। यहाँ पर कितना, 2,000 रुपये डिस्काउंट हुआ है। फिर अगली बार डेबिट कौन है, तो अगली बार डेबिट कैश कर देते हैं, कितना है, 33,000 रुपये है। और अगली बार डेबिट SBI बैंक कर देते हैं, कितना है,
40,000 रुपये, समझ गए। तो ये एंट्री आपकी हो गई, ठीक है। तो ये आपकी वो एंट्री कुछ इस तरीके से होगी, क्रेडिट में एंटरटेन मीडिया 75,000 से, डिस्काउंट डेबिट हो गया, डेबिट कैश हो गया, डेबिट बैंक हो गया, ठीक है। चलिए इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ये एंट्री हो गई। अगली एंट्री देखते हैं क्या है। अगली एंट्री, मिस्टर ओमा पेड 2,500 रिपेयर एंड मेंटेनेंस, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस का जो है 2,500 रुपये उन्होंने पे किया है कैश द्वारा। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक प्रकार का खर्चा है, मतलब मेंटेन करवाया, रिपेयरिंग करवाई है ऑफिस की या किसी भी चीज़ की, तो कुल मिला के खर्चा हुआ है रिपेयर एंड मेंटेनेंस पे। तो यहाँ पर वाउचर पेमेंट हो जाएगा, डेबिट रिपेयर एंड मेंटेनेंस लेजर बनेगा, क्योंकि पहली बार आ रहा है इसलिए यहाँ पर उसका लेजर बन जाएगा, ठीक है। और आगे एक्सपेंसेस लगा देंगे या फिर नहीं लगाते हैं, क्योंकि वैसे ही काफ़ी बड़ा नाम हो गया। तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस अंडर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, और ये हमने एक्सेप्ट कर लिया, कितना 2,500 रुपये। और क्रेडिट में क्या होगा पता है आपको, कैश हो जाएगा, और ये एंट्री भी हो गई। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है मिस्टर ओमा इशू अ चेक, मिस्टर ओमा ने क्या किया, चेक इशू किया है, क्यों किया है, 15,500 रुपये सैलरी दी है, सिंपल सी बात है। तो सैलरी की एंट्री फटाफट करते हैं, वाउचर पेमेंट ही रहेगा, लेजर ऑलरेडी बने हैं, सैलरी एक्सपेंसेस कितना 15,500 रुपये। क्रेडिट में कौन हो जाएगा, बैंक है, क्योंकि ये और ये एक्सेप्ट होगा एंट्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मिस्टर ओमा पेड कैश, मिस्टर ओमा ने क्या किया, पेमेंट किया है, पेड किया है, यानी कि कितना किया, 1150, किस लिए, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, यानी कि बिजली का बिल दिया है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी चार्ज हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल यानी कि, और कितना दिया है, 1150 रुपये दिया है, क्रेडिट में कैश हो गया और एंट्री एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। और यहाँ पर क्रेडिट में कैश ही था, ठीक है। मिस्टर ओमा इशू अ चेक, मिस्टर ओमा ने एक चेक इशू किया, किस लिए, रेंट दिया है 3,000 रुपये, ठीक है, इसकी भी एंट्री करते हैं, और ये चेक इशू किया है, ठीक है। तो यहाँ पर डेबिट में क्या हो जाएगा, रेंट हो जाएगा, और कितना 3,000 रुपये, क्रेडिट में कौन होगा, बैंक हो जाएगी, और एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री, मिस्टर ओमा पेड 750, यानी कि मिस्टर ओमा ने क्या किया है, 750 रुपये कन्वेंस एक्सपेंसेस का दिया है, तो डेबिट कन्वेंस एक्सपेंसेस हो जाएगा कितना, 750 रुपये, क्रेडिट हो जाएगा कैश, क्योंकि कैश ही है वहाँ पर, तो ये आपका कैश हो गया, ठीक है। फिर मिस्टर ओमा रिसीव्ड अ बिल 5,000 फ्रॉम जयश्री ट्रेवल्स, अभी जयश्री ट्रेवल्स के हैं तो आपको पता होगा, जयश्री ट्रेवल्स जो हैं ये क्या करते हैं, ये ट्रैवलिंग करवाते हैं, ठीक है, मतलब मिस्टर ओमा क्या करते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, और उनको बिल जो है बाद में देते हैं, यानी पैसा बाद में देते हैं, तो वही चीज़ है। तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, जयश्री ट्रेवल्स ने मतलब बिल दिया है ना, तो डेबिट क्या हो जाएगा आपका, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज इसका लेजर पहले से बनाओ। क्रेडिट कौन होगा, जयश्री ट्रेवल्स, क्योंकि यहाँ पर उधार हो रहा है, ठीक है, जयश्री ट्रेवल सर्विस हमें उधार दे रहे हैं, तो लेजर दोनों के बने हैं, तो इसकी एंट्री भी करते हैं। वाउचर जनरल होगा, अमाउंट कितना है, 5,000 रुपये है, तो वाउचर हो गया जनरल, डेबिट हो गया आपका ट्रैवलिंग एक्सपेंसेज, खर्चा हो रहा है कितना, 5,000 रुपये, और क्रेडिट आपका जयश्री ट्रेवल्स, और एंट्री एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। अगली एंट्री देखते हैं। तो ये हो गया जयश्री ट्रेवल्स, मिस्टर ओमा पेड कैश 950 टुवर्ड ऑफिस एक्सपेंसेस, ठीक है, सॉरी, तो ऑफिस एक्सपेंसेज आपका हो जाएगा डेबिट, कितना है, 950 रुपये है, क्रेडिट में क्या है, कैश है कि बैंक है, देखते हैं। तो यहाँ पर आपका कैश है, तो ये आपका कैश हो जाएगा। अब सॉरी, यहाँ पर देखिए वाउचर हम चेंज करना भूल गए, ठीक है, वाउचर यहाँ पर कौन सा होगा, वाउचर पेमेंट होगा, ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए जनरल वाउचर में यहाँ पर कैश नहीं आ रहा, यहाँ पर अभी हमने सी बटन प्रेस किया था तो कैश नहीं आया था साइड में, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर कहीं कैश दिखा रहा है, सी से सेल फोन कंप्यूटर कन्वेंस और कंसल्टिंग रेवेन्यू, सिर्फ चार ही लेजर सी से दिखा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि वो बता रहा है कि जनरल वाउचर का मतलब क्या होता है, उधार एंट्री, और उधार जब एंट्री हो रही है तो कैश की कोई बात ही नहीं, कैश आना ही नहीं चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है, ठीक है। फिलहाल वाउचर तो यहाँ पर हमारा पेमेंट है, तो जैसे ही वाउचर चेंज करेंगे और यहाँ पर क्रेडिट में कैश आ जाएगा, ठीक है, तो ऐसे एंट्री को एक्सेप्ट करते हैं। अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है, मिस्टर ओमा रिसीव्ड अ चेक 65,000 टुवर्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू, मतलब इनकम हुई है, सीधी सी बात है, और चेक यानी कि बैंक, ठीक है, तो डेबिट क्या होगा, एसबीआई बैंक हो जाएगा, क्रेडिट कंसल्टिंग रेवेन्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर ऐसा तो कुछ नहीं लिखा है, सर्विस प्रोवाइड की मिला वगैरह वगैरह, तो ऐसा इसलिए क्योंकि सीधे डायरेक्ट यहाँ पर इनकम हो गई, तो क्रेडिट आपकी इनकम और डेबिट हो जाएगा बैंक, ठीक है। तो रिसिप्ट वाउचर हो जाएगा, क्रेडिट में हो जाएगा कंसल्टिंग रेवेन्यू, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। अमाउंट कितना है देखते हैं, अमाउंट है आपका 65,000 रुपये, तो अमाउंट 65,000 रुपये हो गया, और डेबिट में आपका एसबीआई बैंक है, तो ये आपका एसबीआई बैंक हो गया, और एंट्री एक्सेप्ट हो गई, कोई कन्फ्यूजन नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर ओमा पेड कैश, मिस्टर ओमा ने क्या किया, कैश पे किया है कितना, 11,000 रुपये, किसको, जयश्री ट्रेवल्स को। तो याद होगा जयश्री ट्रेवल्स से हमने दो बार सर्विस ली है, यानी कि हमने ट्रैवल किया है और पैसा नहीं दिया है दो बार, एक बार 6,000 की एंट्री आई थी, एक बार 5,000 की, दोनों उधार थी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जयश्री को आज पे कर रहे हैं, ठीक है, तो हो जाएगा पेमेंट वाउचर, डेबिट में जयश्री ट्रेवल्स पाने वाले हैं कितना, 11,000 रुपये,
और क्रेडिट में आपका क्या हो जाएगा, देखते हैं कैश है कि चेक दिया है, तो यहाँ पर इन्होंने कैश दिया है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा कैश, क्रेडिट में कैश हो गया और एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अगली एंट्री देखते हैं कौन सी बची है। मिस्टोमा पेड कैश, मिस्टोमा ने क्या किया, कैश पे किया कितना, 1250 टुवार्ड मोबाइल एक्सपेंसेस यानी कि टेलीफोन एक्सपेंसेस, वाउचर सही लगा हुआ है ऑलरेडी, कितना है 1250 शायद, देखते हैं, और क्रेडिट में आपका कैश है, ठीक है, 1250 कैश, इसको चेक करते हैं 1250 कैसी है, तो 1250 कैसी है। तो सितंबर की एंट्री देखिए कंप्लीट हो चुकी हैं, अब हम फटाफट सितंबर का ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं और साथ ही इसी के साथ में अक्टूबर की एंट्री भी देख लेते हैं, ठीक है। तो वापस आते हैं और यहाँ पर हम जाएंगे डिस्प्ले में, डिस्प्ले में गए, ट्रायल बैलेंस में गए और यहाँ पर हमने अल्ट के साथ F1 किया, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये कंप्लीट ट्रायल बैलेंस है सितंबर का, ठीक है, जो अभी हमने एंट्री की है वो सितंबर की है और ये सितंबर का आपके पास ट्रायल बैलेंस है, आप इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए और पहले से हम चेक कर लेते हैं कहीं इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। तो हमें लगता है शायद ये ट्रायल बैलेंस गलत हो गया है, इसको मैच करते हैं, हमारे पास बुक है और बुक से मैच करते हैं। तो यहाँ पर ये कोई एंट्री एक छूट गई है, देखिए यहाँ पर ये अमाउंट कंसल्टिंग रेवेन्यू गलत आ रहा है, मतलब कोई एंट्री जो है वो छूटी है, तो चेक करते हैं हम, देखिए कौन सी एंट्री छूटी है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो मिस्टर वर्मा डिपॉजिट कैश है, ये एंट्री हो गई थी, ये भी हो गई थी, ये वाली एंट्री छूट गई है, देखिए क्वेश्चन नंबर 69 जो है ये एंट्री छूट गई है, ठीक है, तो इसको करते हैं। तो इसके लिए क्या करना होगा, तो पहले क्वेश्चन को समझते हैं हम, कौन सा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मिस्टर ओमर राइज्ड एन इनवाइस, मिस्टर ओमर ने क्या किया था, एक बिल बनाया था, मतलब राइज्ड एन इनवाइस यानी बिल बनाया, कितना, 55,000 रुपये का, किसके लिए, ब्लू स्टार कंपनी के लिए, क्या किया था, कंसल्टिंग सर्विस प्रोवाइड की थी। तो वही वाली बात हो गई, डेबिट में आपका क्या हो जाएगा, ब्लू स्टार हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर इनको जो है सर्विस प्रोवाइड की गई है, और क्रेडिट में आपका कंसल्टिंग रेवेन्यू होगा क्योंकि इनकम हुई है, समझ गए ना, कितनी की हुई है, 55,000 रुपये की उधार हो गया, ठीक है। लेजर किसका बनेगा पता होगा, लेजर ब्लू स्टार का बनेगा, अंडर किसके जाएंगे, सेंट्री डेबिटर के जाएंगे क्योंकि हम उधार दे रहे हैं, ठीक है। वाउचर कौन सा होगा, जनरल होगा क्योंकि एंट्री उधार हो रही है। चलिए इस एंट्री को करते हैं और सही हो जाएगा फिर उसके बाद, ठीक है। तो उसके लिए वापस आए, अकाउंटिंग वाउचर में गए और यहाँ पर डेट तो हमारी देखते हैं वही लगी हुई है, आप देखेंगे ऊपर 1 सितंबर ही डेट अभी भी सेट है, चेंज नहीं किया था हमने डेट, तो 1 सितंबर पे ही एंट्री जाएगी, बाद में चढ़ा देते हैं कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका डेबिट में, आप पहले तो वाउचर चेंज करेंगे, जनरल हो गया, डेबिट में आपका क्या होगा, लेज़र बनेगा ब्लू स्टार का, तो यहाँ पर हम लेज़र बना लेते हैं ब्लू स्टार, और अंडर किसके जाएंगे, ये सेंडरी डेबिटर के जाएंगे, तो सेंडरी डेबिटर हो गया। अमाउंट कितना इनका है, तो अमाउंट इनका 55,000 रुपये है, 55,000 रुपये हो गया, और क्रेडिट में कौन है आपका, क्रेडिट में आपका है कंसल्टिंग रेवेन्यू, ठीक है। तो ये एंट्री हो गई, अब देखते हैं ट्रायल बैलेंस और वापस आते हैं डिस्प्ले में, ट्रायल बैलेंस अल्ट के साथ F1, और अभी ये आपका ट्रायल बैलेंस जो है वो बिल्कुल सही है, आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए और अपना ट्रायल बैलेंस इससे मैच कीजिए, एंट्रियां मैच कीजिए, कोई गलती तो नहीं है, अगर है तो सुधारिए, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस गलती, ट्रायल बैलेंस से अगर गलत हो जाता है तो चेक कैसे करते हैं, ये आपको पता होगा, हम कई तरीके हैं चेक करने के। तो ये आपका ट्रायल बैलेंस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए आप फटाफट अक्टूबर की एंट्री कर लेते हैं, वापस आ गए और अकाउंटिंग वाउचर में गए, अकाउंटिंग वाउचर में सबसे पहले तो डेट चेंज करेंगे, F2 बटन प्रेस किया, अक्टूबर यानी 1/10, और ये आपका अक्टूबर यहाँ पर डेट लग चुकी है, और अब हम फटाफट अक्टूबर की एंट्री कर लेते हैं, ठीक है। चलिए तो अक्टूबर का जो पहला क्वेश्चन है देखते हैं क्या है, अक्टूबर में पहला क्वेश्चन है, मिस्टर रोमा डिपॉजिट कैश 25,000 इंटू बैंक, 25,000 रुपये बैंक में जमा किया, तो वाउचर कंट्रा हो जाएगा, क्रेडिट कैश हो जाएगा, कितना, 25,000 रुपये डेबिट आपके बैंक हो जाएगी और एंट्री एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, मिस्टर ओमर रिसीव्ड अ चेक 11,000 फ्रॉम ब्लू स्टार कंपनी, ठीक है। मिस्टर ओमर ने क्या किया, चेक प्राप्त किया है, रिसीव किया है, किससे, ब्लू स्टार कंपनी से, क्योंकि इनको उधार हमने दिया था, वाउचर रिसीव्ड हो जाएगा, देने वाले कौन है, ब्लू स्टार कंपनी, क्रेडिट में ब्लू स्टार कितना, 11,000 रुपये दे रहे हैं, और डेबिट में आपका क्या हो जाएगा, चेक हो जाएगा यानी बैंक हो जाएगा डेबिट में, तो ये आपकी एंट्री हो गई, कोई कन्फ्यूजन, कोई कन्फ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मिस्टर माई इशू अ चेक 15,000, मतलब सैलरी दी है, सिंपल सी बात है, तो यहाँ पर हम सैलरी की एंट्री करते हैं, वाउचर पेमेंट डेबिट सैलरी हो जाएगा, और कितना, 15,500 रुपये, और शायद चेक द्वारा ही दी है, हम चेक कर लेंगे, बैंक यहाँ पर फिलहाल हमने लगा दिया है और यह चेक द्वारा ही दी गई है। मिस्टर ओमर रिसीव्ड अ चेक 65,000 टुवार्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू, 65,000 रुपये का चेक मिला है कंसल्टिंग रेवेन्यू यानी कि इनकम हुई है, समझ गए ना।
तो यहाँ पर हम इस एंट्री को फटाफट करते हैं। वाउचर रिसिप्ट हो जाएगा, चेक मिला है तो क्रेडिट में पहली बात तो यहाँ पर कंसल्टिंग रेवेन्यू इनकम हुई है, कंसल्टिंग रेवेन्यू 65,000 रुपये, डेबिट में बैंक और यह एंट्री एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिस्टर माई इशू अ चेक 3,000 रेंट दिया है, तो यहाँ पर रेंट फटाफट कर देते हैं, वाउचर पेमेंट हो जाएगा और डेबिट में रेंट एक्सपेंसेज हो जाएगा कितना 3,000 रुपये और क्रेडिट में बैंक हो जाएगा क्योंकि चेक द्वारा दिया है, एंट्री एक्सेप्ट कर ली हमने। अगला क्वेश्चन है मिस्टर माई इशू अ चेक 5,000 टुवार्ड इंटरनल ऑडिट चार्ज, मतलब एक्सपेंसेज है, ऑडिट चार्ज पर खर्चा किया है, वाउचर पेमेंट डेबिट में ऑडिट चार्ज का लेजर ऑलरेडी बना है कितना 5,000 रुपये और क्रेडिट आपका हो जाएगा, देखते हैं यहाँ पर कैसे कि चेक है, तो यहाँ पर फिलहाल तो चेक है यानी कि बैंक है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 950 रुपये ऑफिस पर खर्च हुआ है कैश है, ठीक है, 950 ऑफिस पर खर्च हुआ है कैश है, तो यहाँ पर हम इस एंट्री को भी करते हैं, वाउचर पेमेंट डेबिट में ऑफिस एक्सपेंसेज हो जाएगा 950 रुपये, क्रेडिट में कैश हो और ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिस्टर मा परचेज स्टेशनरी आइटम इन कैश, मतलब नगद खरीदा है, स्टेशनरी खरीदी 2100 रुपये की, तो ये एंट्री आपको पता होगा, डेबिट में स्टेशनरी एक्सपेंसेज, लेजर पहले से बना है स्टेशनरी एक्सपेंसेज का 2100 रुपये और क्रेडिट आपका कैश हो जाएगा और एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अगला क्वेश्चन मिस्टर मा पेड 1600 वार्ड मोबाइल फ़ोन यानी टेलीफोन पे खर्चा किया है, तो डेबिट आपका टेलीफोन हो जाएगा, वाउचर पेमेंट ऑलरेडी सेट है, कितना किया है भूल चुके हैं फिर से देख लेते हैं, 1600 रुपये है तो 1600 रुपये हो गया आपका, क्रेडिट में कौन हो जाएगा कैश है, एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अगला क्वेश्चन मिस्टर मा रिसीव्ड कैश 50,000 वार्ड कंसल्टिंग रेवेन्यू, 50,000 रुपये की इनकम हुई है, वाउचर रिसिप्ट हो जाएगा, क्रेडिट में आपका कंसल्टिंग रेवेन्यू हो जाएगा कितना है 50,000 रुपये है, क्रेडिट में आपका बैंक है और एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, हाँ सॉरी, यहाँ पर क्रेडिट में बैंक नहीं था, क्रेडिट में क्या था कैश था, क्रेडिट में क्या है कैश है 50,000 रुपये, सॉरी क्रेडिट में नहीं डेबिट में क्या है आपका कैश है 50,000 रुपये जो इनकम हुआ था, तो हमने क्या किया बैंक कर दिया है। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये तरीका है कि हम स्केप बटन से वापस जाएं, डिस्प्ले में जाएं, डे बुक में जाएं और एंट्री चेक करें, या फिर दूसरा तरीका ये है कि जस्ट अगर हमने अभी अभी एंट्री चढ़ाई है तो उसके लिए कीबोर्ड से हम पेज अप बटन प्रेस करेंगे, साइड में आपको पता होगा पेज अप पेज डाउन बटन होती हैं, जहाँ पर होम और एंड डिलीट बटन होती हैं वहाँ पर आपको पेज अप बटन मिलेगी कीबोर्ड में, उसको आप प्रेस करेंगे पेज अप, तो आपके सामने वही एंट्री आ जाएगी जो रिसेंटली लास्ट टाइम आपने की है, तो लास्ट टाइम हमने यही तो की है। और अगर एक बार आप फिर से पेज अप प्रेस करते हैं तो यहाँ पर आपकी एक एक करके आप पीछे चले जाएंगे, सारी एंट्रियाँ देखिए चेंज हो रही हैं, फिलहाल तो हमें लास्ट वाली रिसेंटली एंट्री यही चाहिए थी, तो इस एंट्री में यहाँ पर डेबिट में क्या है आपका डेबिट में यहाँ पर कैश है, तो यहाँ पर हम चेंज कर लेते हैं कैश और इस एंट्री को हमने दोबारा से एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका पता है आपको, दूसरे तरीके से भी हम सही कर सकते हैं, डिस्प्ले में जाकर के डे बुक में जाकर यहाँ आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में कितनी एंट्री की गई है और जो एंट्री आपको गलत लगती है सही करना है उस पर एंटर करके आप उसे सही कर सकते हैं। फिलहाल वापस आते हैं अकाउंटिंग वाउचर में और एंट्री करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो कितनी एंट्री हो गई थी देखते हैं यहाँ पर, तो हमारी यहाँ पर ये 50,000 वाली एंट्री हो गई थी, 950 ये भी हो गई, ये भी हो गई है, 50,000 यहाँ तक हो गया है कंसल्टिंग रेवेन्यू तक। अगली एंट्री है मिस्टर मा पेड कैश 1,100 टुवार्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ सितंबर। ठीक है, 1100 रुपये बिल दिया है, तो यहाँ पर आपका वाउचर पेमेंट होगा, डेबिट में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल हो जाएगा, कितना है इसको देखते हैं एक बार, तो ये आपका 1100 रुपये है कैश में है, तो यहाँ पर आपकी एंट्री हो गई 1100 रुपये, क्रेडिट में आपका कैश हो गया और एक्सेप्ट हो गई। ठीक है, यहाँ पर ये एक्स्ट्रा इंटर हो गया। ठीक है, जब एक्स्ट्रा यानी दो तीन बार एक्स्ट्रा इंटर हो जाता है तो उसके लिए ये ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए एसी जो पहला अकाउंट होता है वो सेलेक्ट हो जाता है, तो ए से पहला अकाउंट एसी है ऑटोमेटिक आ गया, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको वैसा ही पड़ा रहने दें। ठीक है, अगली एंट्री देखते हैं। अगली एंट्री है मिस्टर मा डिपॉजिट कैश 1,25,000 इनटू बैंक, मतलब 1,25,000 रुपये बैंक में जमा किया है, कुछ नहीं हुआ है, तो बस फटाफट हम इसकी एंट्री करते हैं, वाउचर पेमेंट हो जाएगा, सॉरी वाउचर कंट्रा हो जाएगा और क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा कितना 1,25,000। ठीक है, डेबिट में आपका क्या होगा बैंक हो जाएगी और ये एंट्री भी हमने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, उसके बाद मिस्टर मा पेड कैश 850 टुवार्ड कन्वेंस, तो यहाँ पर कन्वेंस दिया गया है, कोई खास एंट्री नहीं है आपको पता है इसकी, फटाफट इस करते हैं, वाउचर पेमेंट डेबिट में कन्वेंस एक्सपेंसेस हो जाएगा कितना है इसको देखते हैं, अमाउंट देखते हैं एक बार, तो डेबिट में कन्वेंस आपका 850 रुपये है, तो 850 रुपये, क्रेडिट में आपका कैश और एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, अगला क्वेश्चन मिस्टर मा पेड कैश, मिस्टर मा ने क्या किया कैश पे किया कितना 14,000 रुपये, किसको राज फर्नीचर को किया है और फुल सेटलमेंट किया है। ठीक है, ऑफ द अकाउंट, ठीक है, मतलब फुल सेटलमेंट किया कैश द्वारा 14,000 रुपये, तो फुल सेटलमेंट का मतलब यही है कि राज फर्नीचर को 14,000 ही तो देने थे,
तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले देना कितना था एक्चुअली, ठीक है। तो अगर हम पुराना ट्रायल बैलेंस देखें तो वहाँ पर राज फर्नीचर का जो अमाउंट है वो 14,200 रुपये है। कितना है? 14,200 रुपये है, समझ गए। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको समझते हैं कि 14,000 क्या हुआ। तो यहाँ पर डिस्काउंट मिला है, आई थिंक समझ गए होंगे। देखिए यहाँ पर डिस्काउंट वगैरह कुछ नहीं लिखा, फिर भी डिस्काउंट मिला कैसे, जैसे एक एंट्री भी पीछे आई थी। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सेटलमेंट, मतलब फुल सेटलमेंट कर दिया। तो अगर फुल सेटलमेंट किया तो 14,200 होना चाहिए, लेकिन दिया 14,000 ही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डेबिट आपका हो जाएगा राज फर्नीचर, ठीक है। डेबिट कौन होंगे आपके, राज फर्नीचर। कितना? 14,200 रुपये। दिया तो हमने 14,000 ही है, 200 कहाँ गया, डिस्काउंट मिला है। कैसे दिया? क्रेडिट में हो गया आपका कैश। क्रेडिट में कितना हो गया, मतलब कैश हो गया कितना, 14,000 रुपये नगद दिया है। और दूसरी बार क्रेडिट में आपका होगा डिस्काउंट रिसीव्ड। वो डिस्काउंट एक्सपेंसेस था जो हमने पहले बनाया था, वो क्या था, डिस्काउंट एक्सपेंसेस, जो किस में गया था, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में गया था, याद होगा। लेकिन ये क्या है आपका, डिस्काउंट रिसीव्ड है, ठीक है, डिस्काउंट रिसीव्ड है। इसलिए ये किस में जाएगा, लेजर बनेगा तो ये जाएगा इनडायरेक्ट इनकम में, इनडायरेक्ट इनकम में जाएगा, क्योंकि ये इनकम हो रही है। देने 14,200 थे हमें, लेकिन हमने दिया कितना, 14,000 दिया, इसलिए 200 रुपये की इनकम हो गई, इनडायरेक्ट इनकम हो गई। और यहाँ पर लेजर पता है आपको, यही बनेगा डिस्काउंट रिसीव्ड का अंडर इनडायरेक्ट इनकम। और वाउचर कौन सा होगा, वाउचर होगा पेमेंट, क्योंकि हम भुगतान कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इस एंट्री को फटाफट कर लेते हैं, आई थिंक समझ में आ चुकी होगी ये एंट्री, सिंपल थी। तो यहाँ पर वाउचर हो जाएगा आपका, पेमेंट हो जाएगा, डेबिट में कौन होगा आपका, राज फर्नीचर, ठीक है। डेबिट में आपके राज फर्नीचर हाउस हो जाएंगे, तो राज फर्नीचर हाउस कितना है, 14,200 रुपये हो जाएंगे। और क्रेडिट में आपका क्या होगा, क्रेडिट में आपका कैश हो जाएगा एक बार, तो कितना, 14,000 रुपये होगा। और दूसरी बार क्रेडिट में लेजर बनाएंगे डिस्काउंट रिसीव्ड का, और वैसे भी क्रेडिट में ही आएंगे क्योंकि इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, ठीक है। तो ये आपका डिस्काउंट रिसीव्ड, ठीक है, कितना है, कितना नहीं, किसके अंडर जाएगा, तो ये अंडर जाएगा इनडायरेक्ट इनकम के, ठीक है, इनडायरेक्ट इनकम। और ये एंट्री हो गई, 200 रुपये इसमें आ गया इनडायरेक्ट इनकम, ये एंट्री एक्सेप्ट हो गई। अगली एंट्री देखते हैं, लास्ट एंट्री बची है फाइनल। मिस्टर मा साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट विद स्टार कंसल्टेंसी प्रोवाइडिंग अ सर्विस एट एन एग्री प्राइस 55,000 एंड रिसीव्ड चेक 20,000 इन एडवांस। तो आप ये वाली एंट्री आपको समझ आ चुकी होगी क्या है। यहाँ पर देखिए कुछ नहीं हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है जिसमें से 20,000 रुपये एडवांस मिला, तो 20,000 एडवांस मिला, तो क्रेडिट आपका हो जाएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ऐसी एंट्री पहले आ चुकी है। और डेबिट में क्या हो जाएगा, 20,000 रुपये एडवांस कैसे मिला, चेक द्वारा, तो डेबिट आपकी हो जाएगी SBI बैंक। लेजर पहले से बने हैं, वाउचर हो जाएगा रिसिप्ट, समझ गए, क्योंकि पैसा प्राप्त हो रहा है। तो इस एंट्री को करते हैं, वाउचर रिसिप्ट हो गया, क्रेडिट में आपका हो जाएगा एडवांस फ्रॉम कस्टमर, क्योंकि कस्टमर से एडवांस मिल रहा है, लायबिलिटी है। कितना मिल रहा है, 20,000 रुपये मिल रहा है। डेबिट में कौन है, बैंक है, और ये एंट्री हमने एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, ये एंट्री भी हो गई। देखिए और कोई एंट्री बची, नहीं बची। तो यहाँ पर अक्टूबर तक की एंट्री हो चुकी है, अक्टूबर का ट्रायल बैलेंस देखते हैं और फिर उसके बाद मिलते हैं अगली वीडियो में। तो फिलहाल तो पहले तो हम अक्टूबर का ट्रायल बैलेंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम आते हैं डिस्प्ले में और ट्रायल बैलेंस, तो ये आपका कंप्लीट अक्टूबर का ट्रायल बैलेंस है, और जो कि बिल्कुल सही है। आप इसे नोट कर लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और उसके बाद में जो है आप अपना जो ट्रायल बैलेंस आपका जो आया है उसे मैच करें, अगर गलत है तो गलती को सुधारें, और ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम नवंबर और दिसंबर दोनों मंथ की जो एंट्री है वो एक ही वीडियो में देखेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।